अस्सलाम वालेकुम क्लास वन, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंड टॉपिक एंड दिस इज़ द वीडियो नंबर टू ऑफ योर SST सब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने द वेदर का जो है वो लेक्चर कंप्लीट किया था और उसकी वर्किंग कंप्लीट की थी। नाउ वी विल कंप्लीट द टॉपिक द सीजंस। नाउ टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 45 ऑफ योर बुक। इन योर बुक देयर इज़ अ टॉपिक द सीजंस। ठीक है, सीजंस क्या होते हैं? देयर आर फोर सीजंस इन अ ईयर। एक साल में चार सीजंस आते हैं। ठीक है, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। ठीक है, चार सीजंस होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक सर्कल में पिक्चर दी हुई है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सीजन में कौन कौन सा वेदर होता है। ठीक है, किस तरह का सीजन होता है वो। इन स्प्रिंग द फ्लावर्स स्टार्ट्स टू ग्रो। ठीक है, स्प्रिंग में क्या होता है? फ्लावर्स या पत्ते जो है वो नए जो है वो निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो स्प्रिंग जो है वो बाहर का मौसम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन समर इट इज़ हॉट। समर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपको पता है, जैसे आजकल है सूरज है, गर्मी है। ठीक है, दैट इज़ द समर सीजन। देन कम्स टू ऑटम। इन ऑटम मैनी ट्रीज शेड लीव्स। ठीक है, ऑटम में क्या होता है? दरख्तों से जो है वो पत्ते फूल जो हैं वो सब झड़ रहे होते हैं। देखा होगा आपने कभी कि बहुत बड़ा दरख्त है या आपके घर में अगर प्लांट्स लगे हुए हैं तो एक सीज़न ऐसा आता है कि वो जो फ्लावर्स हैं या लीव्स हैं वो झड़ रहे होते हैं। ठीक है, उसमें फिर फ्लावर्स और पत्ते नज़र नहीं आ रहे होते, दैट इज़ द सीज़न ऑफ द ऑटम। और उसके बाद है इन विंटर इट इज़ कोल्ड। तो लास्ट जो है वो विंटर सीज़न होता है जो बहुत ठंडा होता है, जिसमें सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, जो जैसे अभी दिसंबर का मंथ जो गुजरा है या जनवरी, ये सब जो है वो विंटर सीजन हैं। ठीक है, समर में आप जो है वो बहुत हल्के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ताकि कि आपको जो है वो गर्मी ना लगे। पानी का इंटेक जो है वो आपका ज़्यादा होता है ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है, विंटर में क्या होता है? विंटर में आप जो है वो वार्म क्लोथ्स वेयर करते हैं ताकि आपको जो है वो सर्दी ना लगे। ठीक है, और गर्म खाने जैसे सूप वगैरह इस तरह के जो है वो चीज़ों का इंटेक आप करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल स्टार्ट द वर्किंग एज द प्रीवियस लेक्चर। जैसे हमने पहले प्रीवियस वर्क किया था, आप जो है वो अपनी कॉपीज़ निकालिए, लीव वन पेज फॉर द टाइटल पेज। ठीक है, अच्छा उससे पहले जो है वो हम यहाँ पे पेज नंबर 46 भी टर्न कर लीजिए। पेज नंबर 46 पे आपके पास यहाँ पे 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लीजिए। राइट डाउन द डेट ऑन द पेज। देयर आर डैश सीजन्स इन अ ईयर। ठीक है, कितने सीजन्स होते हैं? 4। सो यू हैव टू राइट द 4 इन द ब्लैंक, आइदर यू राइट इन द नंबर्स और इन वर्ड्स। ठीक है, नंबर 2 इज़ वी नीड टू कीप वार्म इन विंटर। ठीक है, वी नीड टू वार्म इन डैश। ठीक है, हम जो है वो अपने आप को गर्म रखते हैं कौन से सीज़न में? विंटर में। नंबर 3 इज़ फ्लावर्स स्टार्ट्स टू ग्रो इन डैश। फ्लावर्स कौन से सीज़न में स्टार्ट, मतलब निकलने स्टार्ट होते हैं? स्प्रिंग सीज़न में। वी वेयर लाइट क्लोथ्स इन डैश एज इट इज़ वेरी हॉट। ठीक है, हम हल्के कपड़े पहनते हैं कौन से सीज़न में? समर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। नंबर लास्ट इज़ लीव्स फॉल फ्रॉम मैनी ट्रीज़ इन डैश। कौन से सीज़न में जो है वो पत्ते झड़ रहे होते हैं? ऑटम में। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ऑटम। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे आपका बुक वर्क भी ये कंप्लीट हो गया। नाउ टेक आउट योर कॉपीज़, मेक द टाइटल पेज द सीजन्स। ठीक है, द सीजन्स का टाइटल पेज बनाएंगे जिस तरह आपने वेदर का बनाया था। फिर सामने जो है वो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हेडिंग डालिए। नंबर फर्स्ट वर्ड इज़ एयर, नंबर 2 इज़ स्प्रिंग, नंबर 3 इज़ फ्लावर्स, नंबर 4 इज़ समर, नंबर 5 इज़ सीजन्स, नंबर 6 विंटर, नंबर 7 ऑटम एंड नंबर 8 इज़ 4। तो दीज आर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक। नाउ टर्न द पेज एंड स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच सीज़न इज़ इट नाउ। ठीक है, इस वक्त कौन सा सीज़न चल रहा है? आंसर इज़ विंटर सीज़न। ठीक है, नंबर 2, हाउ मैनी सीजन्स आर देयर इन अ ईयर। एक सीज़न में जो है वो एक ईयर में कितने सीजन्स होते हैं? ठीक है, तो देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। फिर आप उनके नेम्स मेंशन करेंगे। नंबर 1 इज़ समर, नंबर 2 इज़ विंटर, नंबर 3 इज़ ऑटम एंड नंबर 4 इज़ स्प्रिंग। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द कॉपी वर्क ऑफ दिस टॉपिक। आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड डन द वर्क। बहुत नीट एंड क्लीन प्रॉपर वर्किंग के साथ आप जो है वो काम करेंगे। राइट द प्रॉपर डेट ऑन द पेज। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।